नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान सरकार में दो बार मंत्री रहे भाजपा नेता चुनीलाल धाकड़ का सोमवार को निधन हो गया है। वह कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही निजी अस्पताल में भर्ती होकर कई दिनों से उपचाररत थे। धाकड़ के निधन पर भाजपा नेताओं के साथ ही जिले के कार्यकर्ता व बेंगू क्षेत्र के लोगों ने शोक जताया है। जानकारी में सामने आया कि कोरोना संक्रमण होने के बाद पूर्व मंत्री चुनीलाल धाकड़ विगत दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर शहर के MP बिरला हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में भर्ती थे। यहाँ उनके हालात में सुधार आने के बाद सोमवार हॉस्पिटल से घर के लिए छुट्टी होने वाली थी, लेकिन सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनका निधन हो गया है। यह दुखद समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के अनुसार गत 36 दिनों से उनका चित्तौड़गढ़ के बिरला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कोरोना की चपेट में आने के बाद से वे गंभीर बीमार चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य में कई दिनों से सुधार नहीं हो रहा था। वहीं रविवार को स्वास्थ्य में सुधार लगा तो सोमवार को हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली थी।